मैं डॉक्टर योद्धा निनामा। आज हम इथोलॉजी के थर्ड पेपर मेथड्स ऑफ स्टडी बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। हमने पिछली बार पढ़ा कि वाइल्ड में अध्ययन करने के लिए कई टेक्निक्स हैं, जिसमें अल्टमैन की जो टेक्निक्स है वो ज़्यादा मान्य मानी जाती है, जिन्होंने उनको 1974 में दिया था। और इस तरह से अध्ययन एक तरह से बायोलॉजी के लिए नेसेसरी माना जाता है, जिसमें पहली टेक्निक है एड लिबिटम की। इसका मतलब होता है लैटिन में एट वंस प्लेजर। तरीके में एट लिबिटम में कोई भी वाइल्ड में जाकर किसी एक ग्रुप पर फोकस करके उसका अध्ययन करता है, जिसमें अधिकांश मेनली जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो इस तरह की टेक्निक अपनाते हैं और वहाँ जाके किसी भी एक ग्रुप को लेते हैं और वहाँ पे उनका अध्ययन किया जाता है। इस बिल्कुल सिंपल तरीका है। दूसरा है फोकल एनिमल सैंपलिंग। इसमें एक किसी ग्रुप पर फोकस किया जाता है और उसके तौर तरीके जो बिहेवियर है उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हमको किसी ग्रुप में माँ और बच्चे का, जैसे कि लंगूर ग्रुप है और उसमें माँ और बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करना है, तो हम पहले उसमें सेलेक्ट करेंगे कि फीमेल्स कौन सी है, उनके साथ बच्चे एक ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उनको फोकस करके फिर हम उसका अध्ययन करेंगे। और इसके लिए पूरा समय जो होता है वो दिया जाता है, प्री डिटरमाइंड टाइम होता है और इसके अंतर्गत ये फोकल एनिमल सैंपलिंग की जाती है। तीसरा है स्कैनिंग सैंपलिंग। इसके अंदर वन बाय वन हम एनिमल्स का अध्ययन करेंगे, एक एक करके हम एनिमल्स को लेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। और इस स्कैनिंग टेक्निक से हर एक एनिमल के ऊपर ध्यान जाएगा और उसका अध्ययन किया जाएगा। हमारी चौथी टेक्निक हो जाएगी सीक्वेंस सैंपलिंग टेक्निक, जिसके अंतर्गत हम किसी एनिमल के पूरे व्यवहार को नोट करेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए हम स्टिकल बैक फिश लेते हैं और किस तरह से उनका कोश बिहेवियर होता है उसको हम देखते हैं कि किस तरह से मेल और फीमेल, मेल एग्रेसिव होकर पूरी उसकी बैली रेड हो जाती है और उसका शेप चेंज हो जाता है और वो राउंड राउंड चक्कर लगा के फीमेल को अट्रैक्ट करता है उसके नेक्स्ट में आने के लिए जो उसने बनाया है वाटर के अंदर। और उसके एग्रेसिव बिहेवियर से प्रभावित होकर जो फीमेल है वो उस नेक्स्ट में आती है और केवल थोड़े से स्टिमुलस से वो क्या करती है कि एग्स को रिलीज करती है। तो ये पूरा सीक्वेंस जब हम उसको नोट करेंगे तब ये जो बिहेवियर है वो नोट होगा। नेक्स्ट हो जाएगा ऑल अकरेंस सैंपलिंग टेक्निक। कई ग्रुप ले सकते हैं और इस टेक्निक से 2 दिन लग सकते हैं या 2 साल लग सकते हैं, क्योंकि हम एक ग्रुप का अध्ययन करेंगे उसके बाद दूसरे ग्रुप का अध्ययन कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग हम ग्रुपों को टाइम दे सकते हैं, तो ये लंबा समय इसमें व्यतीत हो सकता है। लास्ट है 10 सैंपलिंग। 10 सैंपलिंग में अगर कोई बिहेवियर या घटना जो होती है
अगर होती है तो उसको हम यस के रूप में लिखेंगे, नोट करेंगे, यदि नहीं होती है तो उसको नो के रूप में लिखेंगे। तो 10 सैंपलिंग में अधिकतर जो होता है वो इवेंट या स्टेट के रूप में होता है। इवेंट और स्टेट का मतलब है कि घटना है जिसको अलग अलग नाम दे रखा है। इवेंट का मतलब है कि अगर हम कोई पक्षी उड़ रहा है यानी कि पैरट उड़ रहा है तो उस पैरट का कितने टाइमिंग में वो उड़ रहा है वो हम देखेंगे। या स्टेट है तो स्टेट में हम देखेंगे कि कोई दूसरा जो बर्ड है वो जब लैंडिंग करता है तब किस तरह से वो कितना टाइम लगाता है, कितनी बार होता है, तो ये हम इवेंट और स्टेट हम इसको कहते हैं। तो उसके अंतर्गत 10 सैंपलिंग में ये टेक्निक्स काम में ली जाती है। तो ये जो अलग अलग टेक्निक्स हैं वो एनिमल्स के ग्रुप है उसमें वन एनिमल को लेके की जाएगी या ग्रुप्स के एनिमल्स को लेके की जाएगी, लेकिन इसके लिए भी अलग अलग हमारे तरीके होंगे क्योंकि उनके लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे। प्रिपेयर्ड नोट्स होते हैं, उस नोट्स को जब भी कोई बिहेवियर नोट किया जाता है जैसे सुबह से बैठे और जो एक डायरी होगी उसमें नोट करेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं कब हुई। अगर हमको किसी भी एनिमल्स का देखना है तो हम उसको फूड के फूड दे सकते हैं और उसका बिहेवियर नोट कर सकते हैं, या फिर किसी और तरीके से हम उसके सारे जो बिहेवियर हैं वो उसको नोट कर सकते हैं। इसके अलावा भी और तरीके हैं जिनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।